अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं करेले और प्याज की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम बजट में बन जाती है और तकरीबन जल्दी भी बन जाती है। सबसे पहले जो है वो करेलों का काम करना है। करेले जो है हमने ना काट के छील के इनको अच्छी तरह से बीच इनके निकाल लिए हैं, बीच में से इनको साफ़ किया है और हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं और इस तरह के बारीक बारीक हमने काट लेने हैं। सबसे पहले मैंने करेलों को ना नमक लगा के थोड़ी देर धूप में रख दिया था ताकि इनका जो कड़वापन है वो निकल जाए। इस तरह हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। और इनको मैंने रखे ना धूप में तो आधे घंटे बाद धो के उनको खुशक करके फिर मैंने कढ़ाई में रख दिया ऑयल। ऑयल में मैंने सारे करेले डाल के इनको फ्राई किया। और करेले आप अपनी मर्ज़ी से फ्राई कर ले। कुछ लोग ज़्यादा फ्राई करना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो तकरीबन हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से फ्राई कर लिए हैं जिस तरह के जो हमने खाने होते हैं। जी तो हमने इस तरह के करेले फ्राई कर लिए हैं। अब हमने इनको प्लेट में अलहदा रख दिया है और इसी ऑयल में हमने डाल देना है ऑयल। ये प्याज डाल देना है। प्याज को भी हमने थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेना है और ब्राउन करके इसमें डाल देने हैं मसाले, जो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह हमने डालनी है। प्याज को जो है वो ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हाफ फ्राई इनको करना है और इसमें डाल देना है। टमाटर हरी मिर्च डाल दी है, इसको फ्राई कर लेना है थोड़ी देर। इसमें डाल देते हैं अब हम लाल मिर्च और हल्दी वगैरह हसबे ज़रूरत। इसमें नमक डालें, हल्दी और खुशक मेथी जो है ना वो कसूरी मेथी वो ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा जायका आता है करेलों में। अब हमने इसमें शामिल कर दिए हैं मसाले, ये वाले नमक और ज़ीरा और लाल मिर्च हल्दी सब कुछ इसमें शामिल किया है। मिर्च को अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो तकरीबन हमारे जो है ना वो मसाले लाल मिर्च वगैरह भी अब भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देने हैं करेले। करेलों को डाल के अब हमने इन दोनों को तकरीबन 5 मिनट के लिए थोड़ा पानी लगा के, थोड़ा सा बस पानी लगाना है, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और 5 मिनट के लिए इनको दम पे रख देना है और दम के बाद आप देखेंगे तो आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। बस इतना सा पानी लगा के दांत पे रख दें।